तो वेलकम बैक टू अ फ्रेश न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाला हूँ नॉइस के एक और लेटेस्ट 2000 रुपए से कम के प्राइस के एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ में आने वाले ट्रू वायरलेस ईयरबड्स नॉइस बड्स VS104 Max। देखें क्या कुछ खास है और जिस प्राइस में मिलते हैं आपके लिए वैल्यू फॉर मनी रहेंगे कि नहीं। सबसे पहले अनबॉक्सिंग देख लेते हैं। तो बॉक्स के ऊपर नॉइस की ब्रांडिंग, ईयरबड्स और केस का पिक्चर, मॉडल नेम डिजाइन इन इंडिया, साथ में कुछ की फीचर्स सामने की तरफ साइड में दिए हुए हैं, राइट साइड में प्राउडली डिजाइन इन इंडिया। और इस तरफ आएंगे तो काफी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन, बॉक्स कॉन्टेंट्स की डिटेल्स, मैनुफेक्चर्ड बाई डिटेल्स वगैरह। पीछे की तरफ नॉइस की ब्रांडिंग फिर से है, साथ में ये बड्स केस का पिक्चर, कलर वेरिएंट वगैरह दिया हुआ है, कुछ और इन्फॉर्मेशन है। अभी के लिए बॉक्स को ओपन करते हैं, तो कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले ये एक सेगमेंट मिलता है जहां पर के इसके अंदर से मिलते हैं ये कुछ कूल से नॉइस के स्टिकर्स, साथ में है ये एक नॉइस की तरफ से वेलकम नोट, वारंटी इन्फॉर्मेशन कार्ड, 1 ईयर की वारंटी मिलती है इन ईयरबड्स की, और साथ में है ये एक अच्छी खासी बड़ी सी यूजर गाइड। नेक्स्ट यहां पर मिलता है ये एक छोटा सा बॉक्स, और इसके अंदर से मिल जाती है ये एक USB A2 Type-C वाली चार्जिंग केबल, साथ में है दो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉफ्ट ईयर टिप्स स्मॉल और लार्ज साइजेस में मीडियम वाले ईयरबड्स के ऊपर मिलेंगे। नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली आ जाते हैं अपने मेन प्रोडक्ट मतलब कि चार्जिंग केस और इनके अंदर रखे हुए ईयरबड्स पर। और अभी के लिए स्टार्ट करें इनके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो अभी के लिए ये तो है मेरे पास नॉइस बड्स VS104 Max का रोज गोल्ड कलर वेरियंट, साथ में अभी के लिए मेरे पास इसका जेट ब्लैक कलर वेरियंट भी अवेलेबल है, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखता है। और साइड बाय साइड देखेंगे तो दोनों ही के ऊपर मैट फिनिश है और दोनों ही अपने आप में काफी यूनिक लग रहे हैं। वैसे इन दोनों के अलावा एक ग्रे कलर वेरियंट भी अवेलेबल है, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। बेस्ट वे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। केस के फिजिकल ओरियो की बात करें तो काफी मिनिमल सा डिजाइन है, थोड़ा सा प्रीमियम सा लग रहा है फर्स्ट लुक में ही। सामने की तरफ नॉइस की ब्रांडिंग, साथ में नोटिफिकेशन LED। ऑल अराउंड देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है, काफी मिनिमल सा डिजाइन है, बस बॉटम में एक टाइप सी पोर्ट है। पूरा केस जो है मैट फिनिश में है, तो फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं आते हैं, और पूरा जो केस है वो हल्का सा ओवलेस सा राउंडेस से शेप में है, बहुत ज्यादा बल्की सा नहीं है, भारी नहीं है, एकदम से लाइट वेट कॉम्पैक्ट है। सो बड़े आराम से पॉकेट में डाल वाल के कैरी कर सकते हैं। केस के कैप को ओपन करेंगे तो अंदर ईयरबड्स रखे हुए मिलते हैं कुछ इस तरीके से। प्रिंट को निकालते हैं तो यहाँ पर हल्का सा ग्लॉसी फिनिश मिलता है। ईयरबड्स को रखेंगे तो यहाँ पर पता चल जाता है हल्का सा मैग्नेट भी है, कहीं भी भीड़ भाड़ में निकालेंगे रखेंगे तो गिरने खोने के चांसेस कम हो जाते हैं। बाकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो केस की तो मुझे सही लगी, बस ये जो कैप का हिंज है ना, ये मुझे लगता है थोड़ा सा और बेटर क्वालिटी का होना चाहिए था। वैसे केस जब बंद होता है तो लुक वाइज मैं बोलूंगा अच्छा लगता है। नेक्स्ट ईयरबड्स की बात करें तो ये थोड़े से यूनिक से डिजाइन किए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर की तरफ थोड़ा सा फ्लैट सरफेस है जहां पर कि नॉइस का लोगो दिया हुआ है, साथ में कुछ होल्स वगैरह दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पर डुअल माइक ईच ईयरबड मिलते हैं। बाकी यहाँ पर डुअल टोन कलर मिलता है, बाहर की तरफ हल्का सा रोज गोल्ड फिनिश है, अंदर की तरफ ऑलमोस्ट सेम लाइट सा शेड है जो कि केस के ऊपर है। बॉटम साइड में यहाँ पर चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, अंदर की तरफ लेफ्ट राइट के सिंबल्स हैं, टिल्टेड डिजाइन मिलता है, इंटरचेंजेबल सॉफ्ट ईयर टिप्स यहाँ पर मिलते हैं। जब कानों में लगाते हैं तो फिट काफी अच्छे से मिल जाता है, वर्कआउट रनिंग जॉगिंग के दौरान इस्तेमाल करना है तो जरूर से कर सकते हैं, जल्दी से निकलने गिरने के चांसेस नहीं है। साथ में IPX5 वाटर रेसिस्टेंट सर्टिफिकेशन भी है, तो थोड़े बहुत स्वेट वेट या फिर पानी वानी से कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। साथ में ईयरबड्स लाइट वेट भी हैं, तो सही साइज की ईयर टिप का इस्तेमाल करेंगे तो लॉन्ग आवर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी पेन वेन की दिक्कत नहीं होती है। तो ओवरऑल केस और ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी डिजाइन मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी। इस कनेक्शन और सेटअप की बात करें तो फर्स्ट टाइम जैसे ही केस के कैप को ओपन करेंगे डायरेक्टली डिस्कवरेबल मोड में ऑन हो जाते हैं ईयरबड्स। फिर किसी भी एंड्रॉइड फोन, आईफोन या फिर लैपटॉप वगैरह के साथ में बेसिक से स्टेप्स को फॉलो करके ब्लूटूथ सेक्शन में जाकर सिलेक्ट करके पेयर कर सकते हैं। वन टैप में पेयर हो जाते हैं ईयरबड्स, और एक बार कनेक्ट होने के बाद वापस से केस के अंदर रखेंगे, कैप को बंद करेंगे, क्विकली डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं, चार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही नेक्स्ट टाइम केस के कैप को ओपन करेंगे क्विकली वापस से पेयर हो जाते हैं। कनेक्शन रेंज अप टू 10 मीटर्स की है, बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं है, तो बड़े आराम से डिवाइस के साथ में कनेक्ट रहते हैं ईयरबड्स। और ये सब पॉसिबल हो पाता है बिकॉज ऑफ ईयरबड्स के अंदर है ब्लूटूथ वर्जन 5.3 विद नॉइस की हाइपर सिंक टेक्नोलॉजी। जैसे कि शायद आपने नोटिस किया ईयरबड्स के ऊपर कोई भी बटन नहीं है, बिकॉज ऑफ टच कंट्रोल्स मिलते हैं और इनके जरिए मल्टी फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, टच रिस्पॉन्स अच्छा है। नेक्स्ट मैं बात करूं इनके साउंड आउटपुट की, उससे पहले है आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज। यहां पर है मेरे पास दो नॉइस बड्स VS104 Max जिनका मैं कर रहा हूं गिव अवे। कैसे पार्टिसिपेट करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में डिटेल्स दिए हुए हैं, जल्दी से जाएगा चेक करिएगा, पार्टिसिपेट जरूर से करिएगा, हो सकता है जल्दी ही ये आपके पास और ये आपके पास पहुंच जाए। तो नॉइस बड्स VS104 Max ईयरबड्स के अंदर मिलते हैं 13mm के ड्राइवर यूनिट्स, और इनके जरिए जो साउंड आउटपुट मिलता है उसको मैंने टेस्ट किया, डिफरेंट टाइप का म्यूजिक सुना, कई सारे मूवीज के ट्रेलर वगैरह देखे, और इस सब में मैंने एक्सपीरियंस किया यहाँ पर जितने भी वोकल्स हैं, अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंटल साउंड है, हाई लो मीडियम फ्रिक्वेंसी का साउंड सेपरेशन है, वो सब काफी अच्छे सुनने को मिल जाता है अप टू 100% वॉल्यूम। साथ में जो ट्रेबल है वो भी मैं बोलूंगा अच्छा है, साथ में जो बेस है वो मैं बोलूंगा काफी अच्छी क्वालिटी का है, थोड़ा सा हैवी बूमी डीप बेस है जो कि 100% वॉल्यूम तक काफी अच्छे से सुनने को मिल जाता है। कुछ एक सॉन्ग्स में जहां पर कि बहुत ज्यादा बेस और ट्रेबल होता है तो वहां पर हो सकता है कि थोड़ा सा आपको डिटेल्स कम सुनने को मिले 100% वॉल्यूम पर, थोड़ा सा वॉल्यूम कम करेंगे 80-90% के वॉल्यूम
मीडियम पर यहाँ पर जो साउंड आउटपुट है वो काफी अच्छी क्वालिटी का सुनने को मिलता है मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स में। मुझे पर्सनली जो ओवरऑल साउंड आउटपुट है वो काफी पसंद आया। आप जरूर से थोड़ा सा प्रीमियम रिच क्वालिटी साउंड आउटपुट एक्सपीरियंस कर पाएंगे इन ईयरबड्स के जरिए। वैसे अगर आपने बाय किए हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, मैं जो कह रहा हूँ सही है कि नहीं, कमेंट में जाके जरूर बताएगा। और इन ईयरबड्स का जो एक्सपीरियंस है वो और भी ज्यादा इंप्रेसिव हो जाता है बिकॉज ऑफ यहाँ पर मिलता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन और यहाँ पर जो सराउंडिंग्स की आवाजें हैं वो काफी हद तक कम हो जाती हैं। जैसे कि अभी के लिए मेरा एसी ऑन है, इसकी आवाज मुझे बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है। 25 डेसिबल तक का नॉइस कैंसिलेशन मिलता है एएनसी ऑन में। ये खासतौर से जब आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस स्टैंड में, फ्लाइट में जा रहे हैं तो वहां पर भी बढ़िया काम करेगा। लेकिन हमेशा बढ़िया चीज नहीं रहती है, घर में कोई है नहीं, आप एएनसी ऑन करके गाना सुनने में लगे पड़े हैं, मूवी देख रहे हैं, चोर आएगा, चोरी करके चला जाएगा, तो यहां पर उसके लिए दिया हुआ है ट्रांसपेरेंसी मोड। जैसे ही आप इसको टैप एंड होल्ड करेंगे ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन हो जाता है, जहां पर के आसपास की जो सराउंडिंग्स की आवाजें हैं वो और भी एम्पलीफाई होकर सुनने को मिलती हैं। ये खासतौर से जॉगिंग वगैरह करने जाएंगे उस टाइम के लिए काफी यूजफुल होगा, आसपास की आवाजें भी सुनाई देती रहेंगी, म्यूजिक भी सुनाई देता रहेगा। और फिर वापस से टैप एंड होल्ड करते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल मोड ऑन हो जाता है, जहां पर के जो इनके फिट की वजह से एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन मिलता है ना, उतना ही नॉइस कैंसिलेशन मिलता है और ये भी मैं बोलूंगा काफी अच्छा है। भाई कॉलिंग के लिए भी इन ईयरबड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, डुअल माइक ईच ईयरबड मिलता है, मतलब कि क्वाड माइक्स का सेटअप है जिनके जरिए मिल जाता है कॉलिंग के दौरान एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन। भाई कॉलिंग क्वालिटी कैसी है? तो अभी के लिए मैंने कॉल किया हुआ है नॉइस बड्स 104 मैक्स से, आउटडोर में हूं, छत पर हूं, हल्का फुल्का नॉइस भी है, बच्चे वगैरह खेल रहे हैं, उनका शोर आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जा रहा होगा किस तरीके से एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन मिलेगा, किस तरीके से उस तरफ आवाज जाने वाली है कॉलिंग के दौरान जब आप बात करेंगे ऐसे करके ईयरबड्स के जरिए। और इसके अलावा भी मैंने कई सारे कॉल्स वॉल्स पर बात करके देखी है ईयरबड्स के जरिए, जो कॉलिंग क्वालिटी है मैं जरूर से बोलूंगा अच्छी है। और हो सकता है कुछ लोग को गेमिंग वगैरह में भी इस्तेमाल करने होंगे ईयरबड्स, बीजीएमआई खेलना होगा, तो यहाँ पर डेडिकेटेड गेम मोड मिलता है ईयरबड्स के अंदर। सिंपली लेफ्ट ईयरबड के ऊपर टैप एंड होल्ड करके गेम मोड को एक्टिवेट और वापस से टैप एंड होल्ड करके गेम मोड को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। गेम मोड जब ऑन होता है तो कितने मिलीसेकंड की लो लेटेंसी है ये तो नॉइस ने कहीं भी नहीं बताया नंबर्स वगैरह, लेकिन मैंने ट्राई करके देखा यहाँ पर गेम मोड में थोड़ा सा बीजीएमआई खेल कर, तो जो एक्सपीरियंस था वो काफी सही था। ऑडियो डिले जरूर से कम मिलता है गेम मोड के अंदर कंपेयर टू नॉर्मल मोड। बाकी जो साउंड इफेक्ट है, किस डायरेक्शन से साउंड आ रहा है, जो साउंड सेपरेशन है, किस चीज का साउंड है, वो सब आइडिया काफी अच्छे से लग जाता है गेमिंग के दौरान। तो हल्की फुल्की कैजुअल गेमिंग के लिए तो ये वाले ईयरबड्स जरूर से काम कर जाते हैं। चार्जिंग और यूसेज टाइम की बात करें तो पहले तो इन ईयरबड्स के अंदर बैटरी है और इनको चार्ज करने के लिए इस केस के अंदर बैटरी है और केस को चार्ज करने के लिए यहाँ पर एक टाइप सी पोर्ट मिलता है। इसी 5 वोल्ट के चार्जर का इस्तेमाल करके केस को 0-100% चार्ज करने में करीब करीब 1.5 आवर मतलब कि 90 मिनट्स लग जाते हैं। और जब केस चार्ज हो रहा होता है तो अंदर रखे हुए ईयरबड्स भी चार्ज हो जाते हैं 60 मिनट मतलब कि 1 घंटे में। और फिर ईयरबड्स को निकालकर सिंगल चार्ज में करीब करीब 7 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बैटरी लो हो जाए तो ईयरबड्स के अंदर डालकर घूमते फिरते कहीं भी 4-5 बार और चार्ज कर सकते हैं, जिससे कि टोटल यूसेज टाइम मिल जाता है करीब करीब 45 आवर्स का। लेकिन ये मैं बोलूंगा डिपेंड करता है आपके यूसेज पर, अगर पूरे ही टाइम एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन ऑन रखेंगे तो यूसेज टाइम कम हो सकता है। पिस्ट यूसेज में मतलब कि ऐसे समझ लीजिएगा कभी कम वॉल्यूम पर, कभी मीडियम वॉल्यूम, कभी फुल वॉल्यूम, कभी एएनसी ऑन, कभी एएनसी ऑफ के साथ इस्तेमाल करेंगे तो 35-40 घंटे का यूसेज टाइम मिल जाएगा बड़े आराम से, जो कि मैं बोलूंगा अच्छा है। बाकी एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर इंस्टा चार्ज मतलब कि फास्ट चार्जिंग मिलती है, 10 मिनट चार्ज करके 120 मिनट का यूसेज टाइम मतलब कि 2 घंटे का यूसेज टाइम मिल जाता है। अब फाइनली अगर मैं समअप करूं तो नॉइस बड्स वीएस 104 मैक्स ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का जो प्राइस है लॉन्च ऑफर में वो है 1699 मतलब कि 1700 में भी 1 रुपया कम। और इस प्राइस के हिसाब से अगर कंप्लीट पैकेज देखें मतलब कि जो डिजाइन मिल रहा है, बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, फिनिशिंग मिल रही है, काफी अच्छी है, थोड़े से प्रीमियम से ही देखते हैं, साथ में कंफर्टेबल भी रहते हैं ईयरबड्स, साथ में यहां पर जो कॉलिंग क्वालिटी मिल रही है, साउंड आउटपुट मिल रहा है, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिल रहा है, चार्जिंग टाइम, यूसेज टाइम, फास्ट चार्जिंग, सब का सब इसको काफी वैल्यू फॉर मनी बना देता है। अगर आप इस प्राइस सेगमेंट के कोई भी ईयरबड्स बाय करने को सोच रहे थे तो मैं तो यही बोलूंगा आप जरूर से इनको कंसीडर कर सकते हैं, 1700 में काफी वैल्यू फॉर मनी है। बाकी आप बताएगा आपको कैसे लगे नॉइस बड्स वीएस 104 मैक्स ट्रू वायरलेस ईयरबड्स नीचे कॉमेंट्स में जाकर। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और कॉमेंट करके जरूर बताएगा। पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।